आज हम सब बोचहा प्रखंड के बेला पचगजिया गांव में आए रहती। यहाँ के किसान भाई बहन सब श्री विधि से धान के रोपनी करता थी। यहाँ कुछ किसान भाई बहन सब रोपनी में लागल थी। चले हम सब देखे की श्री विधि के धान के रोपनी कैसे हुई। प्रणाम इंदु दीदी। प्रणाम प्रणाम भैया। ओ कले बोलैले रही श्री विधि खेती के तरीका बतावे के लिए। हाँ तो बुलैले रही तो आज रोपा रहले भैया। ओ तो हम समय से अइली है। हाँ अच्छा हाँ यहाँ तो ज्यादा श्री विधि से खेती हो। हाँ हमरा से के श्री विधि से हो रहले भैया। श्री विधि के बारे में थोड़ा और हमरा जानकारी दे देती ताकि सारा लोग श्री विधि से खेती करती है। हाँ भैया तो और अच्छा ना होगा, सभी दीदी लोग करेंगे तो और खुशी की बात है भैया। तो थोड़ा बता दिल जाना दीदी सारा लोग के बारे में कैसे श्री विधि खेती लोग से करता थी से। तो भैया चलिए खेत में रोपा रहा है देख लीजिए दीदी से लोग सब बता। दीदी भैया के प्रणाम। हमारा नाम है इंदु देवी, बी फातिमा जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष छू, गंगा जीविका ग्राम संगठन के कोषा अध्यक्ष छू, बोचहा ब्लॉक बेला पचगछिया गाँव से हम उपस्थित हूँ। 3 कट्ठा हमारा खेत है, पानी पटावे ले बोरिंग से पानी पटा के हम रोप रहल छी, वर्षा न हो तय कारण 11 दिन के बीज है, नर्सरी वाला हम लगैले हती उहे बीज लेके हम रोप रहल हती खेत में। तीन गो नर्सरी हम गिरैले छी, 1.5 फीट चौड़ा 6 इंच खड़ा हम ही रखले हती नाली बना के पानी गिरे के लिए। श्री विधि से हम धान के बिया गिरैले हती, ज्यादा दिन के बिया न हो के चाही, कम दिन के बिया हमरा रोपाए के चाही। ज्यादा दिन के बिया हो जाए तो खराब हो जाए, 2-3 पत्ता के हो जाए, तो अभी 2 पत्ता के बिया है। ई बिया रोपे से हमरा खेत में अभी अच्छा हो देखो। श्री विधि खेती करे के लेल बिचरा तैयार है, 11 दिन के बिचरा तैयार हो गए है, कहे तो 14 दिन से ज्यादा दिन के बिचरा रोपला के बाद में धान बढ़िया पैदावार न दै छै, ये चलते कम दिन के ही बिचरा रोपल जाय छै। तो पानी पटा के दीदी खेती करे के लेल ट्रैक्टर से खेती खेत जोतवा रहल हथिन, आ ट्रैक्टर न मिले छै तो हरो बैल से खेती करवा लै छथिन, आ बढ़िया ढंग से खेती ओसे होइ छै। पानी श्री विधि खेती करै छथिन तऽ ओमे ज्यादा पानी के जरूरी न पड़ै छै, थोड़ा सा हल्का पानी जैसे 1/2 इंच 1 इंच पानी रहे के चाहिए, कादो बढ़िया होए के चाहिए, तब धान जो है ना बढ़िया प्रोग्रेस करे छै। दीदी की हो रहा है भैया? हेंगा पड़ै थे खेत प्लेन होए के लेल। अच्छा हेंगा पड़ै थे। हाँ तब एकरा बाद एमे रस्सी पर लाइन पर रोपतै धान एमे। अच्छा दीदी हेंगा देवे से की फायदा है? फायदा यह होत जे खेत प्लेन हो जाए। अच्छा प्लेन में धान रोपे में अच्छा से बनत, ए लेल ई हेंगा पर रहले प्लेन हो रहा। और की फायदा है दीदी? फायदा ये ने जे नाली अच्छा से होत रोपे में भी बनत, तनके पानी में ही ठीक होई छे। श्री विधि में कमे पानी चाहिए? हाँ ज्यादा पानी के मतलब। दीदी कौन चीज हो रहा है? धान के बिया उखड़े थे। अच्छा धान के ऐसे कला उखड़े छे दीदी? इसे मिट्टी श्री विधि से धान के बीज गिरेला के बाद में ये हो चीज मिट्टी सुधा उखड़े थे। मिट्टी सुधा उखाड़ला से की फायदा हो चीज? जल्दी लगे चीज, जल्दी पौधा बौसार करे चीज भैया। इसे धान उखाड़े चीज ना हाँ। मिट्टी सही तो ये अच्छा हो चीज, इसे जल्दी लग जाए चीज, जल्दी बौसार करे चीज खेत में। अच्छा अच्छा तुरंत लग जाए? हाँ तुरंत लग जाए चीज भैया। ठीक है दीदी। दीदी हम से तो जनरल विधि से धान के बीज के झाड़ देत रह लिए है। ना भैया धान के बीज ना झाड़म ही तो खराब हो जाए, ऐसे न बियान करत वैसे 1-2 टूट जाए छे, ऐसे एक एक करके रोपबे ना तो भैया बियान करत खेत में अच्छा खूब अच्छा। हाँ अच्छा एकरा झाड़े के ना है। अच्छा दीदी इस श्री विधि में खूब रोपला से कै गो बियान करे थे? 30-40 गो भैया बियान करे छे ई धान। 30-40? हाँ श्री विधि से। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बयान करिए। बहुत अच्छा है भैया। जनरल विधि से रोपते हैं तो कैसा हुई भैया? जनरल विधि से दीदी हमरा से तो ज्यादा से ज्यादा वह 4-5 कल्ला करे छी, 4-5 ना हम से तो श्री विधि से भैया रोपे छी तो अच्छा होई छी। अच्छा दी बिछन के ई उखाड़ के कहाँ रखे छी? ई लमहर बर्तन में ले आई छी धान रोपे के लिए, माटी झड़ जाए के लिए ले से ए में ले जाए ले। ओ ए में माटी ना झड़े? ना झड़े छी। अच्छा भैया
अहाँ सब कैसे ले आई छे? हम से तो दीदी बिछन उखारला के बाद आटिया बांध के आ तब ले जाय छी। ओसे ठीक होय छे भैया? ना तो ओसे तो टूट जाइत होतै तब। हम से तो ऐसे रोपै छी ठीक होय छे, ऐसे माटी न झरे छे, कल्ला भी अच्छा दै छे। माटियो न झर लगा कल्लो अच्छा। हां अच्छा दीदी, खेत लमसम तैयारे है, की सब डालली है थोड़ा बता दियो ना। तीन कट्ठा खेत है। अच्छा। एमे 27 किलो केचुआ खाद देली है, 3 किलो एमे DAP देली है, 1.5 किलो एमे पोटास रख ली है, आ कदवा करा के एमे नाला बनावै थती। खेत में नाला बनावै थती भैया, खेत में नाला बनावै थती है, 1.5 फीट चौड़ा, 8 इंच गहरा ई नाला बना रहल छी। ए लेल जे धान रोपबै तो मतलब पानी ओमे न लगता है, मतलब गढ़ा में गिर जाता है, निकल जाते ज्यादा पानी होते तो। भैया देखियो, ये 1.5 फीट चौड़ा, 8 इंच भैया ये गढ़ा है, मतलब ये चारों तरफ से नाला हम बना रहल हती जे दीदी रस्सी ले ले हती, शायद लाइन घिचम। हाँ विजय भैया लाइने घिचबै, इतने धरन ये लाइन घिचबै, ये लेल जे धान रोपबै इतना दूरी पर भैया 10 इंची पर ये लाल फुदना लगैले हती, जे फैलोरी भी रहता है, लाइन सीधा भी रहता भैया। अच्छा। जे ए लेल ज्यादा कल्ला जे देता है तो ओकरा हवा भी लगता है। भैया दूर दूर पर 10 इंची पर रोपै लै ई धान लाइन पर जे एना फैलोरी रहता है, वो मशीन केनोविडर मशीन चलावे में एमे बनै छै, कमैनी कोरौनी करे में एना ज्यादा जन लग रहल है। विजय भैया 10 इंची दूरू फुदना जो है दोनों इतना दूर पर हम धान लगाएंगे, ई बीच में इतना 10 इंची खाली रहत भैया अथी के लिए कमैनी। हाँ कमैनी करे के लिए दोनों लाइन पर लाइन हम रोपै छी 10 इंच पर ई रह जाए, 10 इंच पर रोपे से ही भैया जगह इतना खाली रह। एगो पौधा यहाँ लगाएं, एक पौधा यहाँ लगाएं भैया। अच्छा दीदी, तो 10 इंची पौधा से पौधा के दूरी है। हाँ। 10 इंची लाइन से लाइनों के लाइन के लाइन दूरी है भैया। अच्छा, ये जगह खाली रहत कोनो बीडर चलावे के लिए। अच्छा, हाँ। अच्छा। दीदी धान के सीधे रख रहल हती है। धान भैया विजय भैया ऐसी रोपाई छे, श्री विधि धान ऐसी माटी में सीधे रख देल जाय छे। अच्छा, ऐसे की फायदा होय छे दीदी? फायदा होय छे जे जल्दी पकड़ लै छे जमीन में। अच्छा अच्छा, एकर दूरी तो बड़ा बढ़िया लगे देखे में, सीधा सीधा लाइन के लाइन। हां तो भैया लाइन पर रोपाई छे, रसरी पर। ओ वही से लाइन पौधा के पौधा दूरी भी बड़ा बढ़िया 10 इंची के दूरी है ना। हां भैया। अच्छा दीदी, धान तो बुझाइते न है रोपल भैया? श्री विधि में ऐसी धान भैया रोपाई छे खून को न बुझाई छे, 15 दिन के बाद अबे तो देखबे भैया जी कैसन धान रहै छे, वो पूरा खेत भर जते। हां वाह भैया, आहां सब केना धान रोपै छी जनरल वाला? ओ तो हम तो दीदी जनरल विधि से 5 गो 7 गो धान एक एक जगह हम सब रोपै छी या लग लग रोपै छी। तो ओसे की फायदा आहां सब के भैया? दीदी वैसे तो बिच्छी ज्यादा लाग जाय छी हमरा सके। हम से श्री विधि से ऐसी रोपै छी एगो मिट्टी में सीधे रख दे। हां ही सब के ठीक है दीदी। अहां के कितना होय भैया विजय भैया धान रोपै छी अथी वाला? त हमरा त दीदी वही 50 से 60 किलो होय छै कट्ठा में। अहां के श्री विधि से रोपै छी त कितना होय? हां सर श्री विधि से रोपले रही त पिछला साल हमरा 3 मन के कट्ठा गिरल रहे। 3 मन? हां श्री विधि से। हां श्री विधि से 3 मन के कट्ठा गिरल रहे। अहीं सब के ठीक है दीदी। दीदी कोई विशेष वैरायटी वाला बीज है ना भैया? ये घरैया बीया है अपना, ये है श्री विधि से खेती करे छी 3-4 साल से भैया, 3-4 साल से खेती करे छी, काफी उपजा हो रहल है। अहूँ सब के उम्मीद करे छी जे अहूँ सब खेती करू, अहूँ सब के काफी उपजा होत। कुछ जरूरी बात ध्यान देवे के जरूरी है।
पहला कि धान की रोपनी से पहले खेत के तैयारी कर लेवे के चाहिए। दूसर खेत में कदवा करना, जुताई और हेंगा जरूरी है। तेसर नर्सरी बेड से बिचरा मिट्टी के साथ उखाड़ के लावे के चाहिए। चौथा पौधा से पौधा के दूरी 10 इंच आ लाइन से लाइन के दूरी भी 10 इंच के होए के चाहिए। पचमा बिचरा 8 से 14 दिन के होए के चाहिए। छठा खेत के चारों तरफ 1.5 फीट चौड़ा आ 8 इंच गहरा नाला बनावे के चाहिए। वो जरूरी है जैसे कि पानी बाहर निकल जाए। Yeah, yeah, yeah.